दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं अमेजोन से बिना कुछ किए 20 से 25 हज़ार रुपये आप महीना कमा सकते हैं? उससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं महीना बिना कुछ किए। सिर्फ अब ये आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा और पूरी प्रक्रिया को आपको समझना होगा और उसको फॉलो करना होगा। जब आप एक बार फॉलो कर लेते हैं इस प्रक्रिया को, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो कैसे आप अमेजोन के साथ 20 से 25 हज़ार रुपये बिना कुछ किए कमा सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे आपको कोई ना काम करना होगा, ना ही कोई एंट्री फी देना होगा, जो कि आपको सिर्फ एक प्रोसेस करना होगा, उसकी मदद से आप 20-25 हज़ार रुपये हर मंथ कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अमेजोन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सभी तरह के प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं अमेजोन के द्वारा। लेकिन यहाँ तो आप अमेजोन की वेबसाइट से जो भी ख़रीदारी करते हैं, जो भी शॉपिंग करते हैं, उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे इससे आप कैसे, किस तरह अच्छा खासा कमीशन पा सकते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट आप खरीदेगा, आपको खरीदना नहीं होगा, कस्टमर आप प्रोडक्ट खरीदेगा इस वेबसाइट से और आपको उसमें कमीशन मिलेगा 20 से 25 हज़ार रुपये महीना। जितना भी प्रोडक्ट सेल होता है उसी के हिसाब से आपको कमीशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे किस प्रोडक्ट, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट में कितना कमीशन, कितना परसेंट है, वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया है अमेजोन एसोसिएट का। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सभी तरह की कैटेगरी दिए गए, किस कैटेगरी के सामान परचेज करने, कस्टमर परचेज करेंगे तो उसमें आपको कितने परसेंट कमीशन मिलेंगे। वो जैसे कि यहाँ पे देखिए, बुक, वॉच वगैरह, अगर शॉप कोई इस कैटेगरी से अगर कोई सामान परचेज करता है तो आपको 9% कमीशन मिलेंगे। अगर बेबी प्रोडक्ट या होम या किचन कैटेगरी की कोई भी प्रोडक्ट कोई परचेज करता है तो आपको इतना रुपए कमीशन मिलेगा। यहाँ पे सभी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब कमीशन के बारे में आपको बता दिया गया है। तो इससे आप अच्छा खासा कमीशन कर देख सकते हैं। हाईएस्ट कमीशन 9% तक कमीशन, आपको 10% तक कमीशन मिलने वाला है। तो चलिए किस तरह बनाएंगे इसको, किस तरह आप यूज कर सकते हैं और इससे कैसे आप सेलिंग कर सकते हैं, मतलब कि आपको एक शॉप अपना अमेजोन की वेबसाइट पर बनाना होगा जो भी, और जिसको आप लिंक शेयर करेंगे कोई प्रोडक्ट, अगर आपके लिंक से वो प्रोडक्ट परचेज करता है, शॉपिंग करता है, तो आपको इसमें कमीशन मिलने वाला है। किस कैटेगरी में क्या कमीशन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे ज्वाइन नो फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 स्टेप गुजरना होगा, साइन अप करना होगा, रिकमेंडेड करना होगा और उसके बाद अर्न करना होगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाता है 3 स्टेप में। उसके लिए यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अमेजोन का आईडी पासवर्ड देना है। अगर अमेजोन का आईडी पास अकाउंट नहीं बना हुआ है तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करें। तो उसके बाद यहाँ पे फुल नेम देंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे अपनी मनपसंद एक पासवर्ड रखेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जो ईमेल आईडी दिए उसको ईमेल वेरीफाई करेगा, जो भी ईमेल दिए उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। तो देख सकते ईमेल पे एक ओटीपी आ चुका, इस ओटीपी को कॉपी करेंगे और इस ओटीपी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे ईमेल वेरीफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम देना है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में नाम वो नाम देंगे। उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस देना, एड्रेस देना होगा, सिटी होगा, पिन कोड देना, ये पूरा एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ आपको नो करना होगा, यहाँ पूछ रहा है अगर आप टैक्स पे वगैरह करते तो ये आपके लिए, अगर नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई वेबसाइट है या एंड्रॉयड ऐप है। चलिए, मेरा वेबसाइट तो नहीं है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मैं अपने YouTube चैनल का लिंक यहाँ पे दे दिया, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अगर कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई एंड्रॉयड ऐप है तो उसको भी आप यहाँ पे उसकी लिंक को, URL को ऐड कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एसोसिएट स्टोर आईडी मांगेगा, तो स्टोर आईडी में कोई भी चीज़ आप रख सकते, अपना नाम रख सकते, या चैनल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके यहाँ पे एक तरह का यूजर नेम भी आप दे सकते हैं, या आपका यूजर नेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ वेबसाइट ऐड मोबाइल ऐप नहीं है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका वेबसाइट किस टाइप का है, वेबसाइट जो है या एंड्रॉयड ऐप वो किस प्रकार, उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेन जो है कि मतलब किस किस कैटेगरी का आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो
तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले उस ऑप्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं दूसरा टॉपिक भी इस फर्स्ट हो गया, अब दूसरा भी यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होगा, कोई सिलेक्ट कर लेंगे, लिस्ट यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे आप पूछेगा आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ये कैटेगरी होगी और किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना कर सकते हैं, इसे बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ सभी को टिक मार का लगा देता हूँ, यानी कि सभी तरह के प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद ये पूछेगा आपको वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप वो किस प्रकार, वो यहाँ पे दिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आधार को सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड में मैं यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ट्रैफिक के बारे में डिटेल पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप जो सेल करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे, कैसे सेल करेंगे, सोशल नेटवर्क की मदद से या ब्लॉग के या एसओ इसे या फॉर्म की, किसके मदद से किसके जरिए आप अपने इस प्रोडक्ट को कोई प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम के बारे में सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम अभी कर बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम ई कॉमर्स को सेलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम अमेजोन को सेलेक्ट कर देते हैं, इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करने बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद यहाँ विजिटर के बारे में आपसे पूछा गया, आपके जो भी ब्लॉग है या जो भी चैनल है उस पर मंथ कितने व्यूबर आ जाते हैं, विजिट कर लेते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रीजन पूछ रहा है आप क्यों अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, रीजन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप मेरा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टू मोनेटाइजेशन, माय साइट मेरी साइट को मोनेटाइजेशन है। उसके बाद आपसे पूछेगा इसके बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला, यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्च को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना होगा, जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंगरोल कह दिया गया और मेरा नाम है, यहाँ पे हमारा एक जो एसेसमेंट आईडी जनरेट करके दे दिया गया, ये हमारा एसेसमेंट आईडी हो गया, एसेसमेंट आईडी, और इसको हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अभी या बाद में भी कर सकते हैं, अभी ऐड करने के लिए नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अमेजोन के जो आपने अकाउंट बनाया उसका जो पासवर्ड, वो पासवर्ड देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे आपको पेमेंट लेने के लिए कम से कम 1000 की आपकी अर्निंग होनी चाहिए, 1000 से कम ये पेमेंट नहीं देते, वो भी आपको NEFT में पेमेंट सेंड करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल देना होगा, इंडियन रुपये मिलेगा, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम जो भी नाम है, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे, यहाँ बैंक का नाम देंगे और आप IFSC कोड यहाँ पे देंगे। उसका सबमिट एंड कंटिन्यू विथ टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे हमारा पेमेंट भी ऐड हो चुका है, पेमेंट डिटेल यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैकिंग आईडी अपनी प्रोफाइल को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने को तो यहाँ आपको डिटेल मिलेगा, कितनी आपकी अर्निंग हुई, कितनी शॉपिंग हुई उससे कितना अर्निंग हुआ टोटल आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे अर्निंग ओवरव्यू यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे टोटल फी बोनस वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखे, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी दिए गए हैं, साथ साथ यहाँ से आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, बैनर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पिक वगैरह देख सकते हैं, अपने रिपोर्ट यहाँ से रिपोर्ट पे क्लिक करके अर्निंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। चलिए ये तो हमारा अकाउंट बन गया, अब क्या करेंगे, मतलब कि उसके बाद क्या करना, ये हमारा हो चुका, अब हमको अमेजोन की वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो अमेजोन की वेबसाइट को जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारा उस अकाउंट लॉगिन है जिससे मैंने अभी अकाउंट एसोसिएट अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पट इस तरह का एक ऑप्शन आ रहा है जो आपको पहले दूसरे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक बनाना हो, किसी भी प्रोडक्ट का लिंक बनाना होगा, ये आपका तुरंत भी वेरीफाई हो जाए, जब भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तभी ये आपको दिखने को मिलेगा। तो हमारा अकाउंट यहाँ पे तुरंत वेरीफाई हो चुका है, तब हमें ये ऑप्शन मिल रहा है। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते मेन्यू, या आप सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने एक लैपटॉप सर्च किया जो कि बेस्ट अभी लैपटॉप चल रही है, तो यहाँ पे मैं उस लैपटॉप को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अगर हमें ये लैपटॉप सेल करना है तो कैसे सेल करेंगे और इससे अच्छा खासा कमीशन कैसे ले सकते हैं, इसकी जो डिटेल वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। इस लैपटॉप को सेल करने के लिए एक इसकी लिंक बनानी होगी, उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट कर दिया जाए, तो शॉर्ट लिंक यहाँ से फुल लिंक,
फुल लिंक करेंगे तो बहुत बड़ा लिंक हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट लिंक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक आपको मिल जाता है। इस लिंक को कॉपी करके आप अपने यूट्यूब की वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में या आप किसी भी सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर वो इस लिंक से परचेज करता है तो इसमें आपको कमीशन मिलने वाला है। तो चलिए फेसबुक से पोस्ट करके देखते हैं एक बार, फेसबुक को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम फेसबुक पे पेज अपना जीसान मॉनिटर का जो पेज है वो ओपन कर चुके और यहाँ पोस्ट करेंगे। उसके लिए आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोस्ट डालेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ट लैपटॉप इन 2020 अंडर 22K यानी कि 22,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप। तो उसका नीचे हम क्या करेंगे, जो लिंक कॉपी किए थे अमेजोन से उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। जैसे ही लिंक को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो लैपटॉप आ चुकी है, वो प्रोडक्ट की फ़ोटो आ चुकी है, उसकी डिटेल आ चुकी है जो कि अमेजोन से आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस लिंक को अगर हटाना चाहे तो रिमूव कर देंगे, यहाँ से लिंक रिमूव हो चुका है। उसके बाद ये फ़ोटो आपको मिल जाएगा और जो भी लिखना चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी इस लिंक से परचेज करेगा उसमें आपको कमीशन मिलने वाला। तो चलिए यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर अपने पेज फेसबुक पेज पर पोस्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया है लैपटॉप के डिटेल और इस लिंक से जो भी परचेज करेंगे उसमें हमें कमीशन मिलने वाला है। इसी तरह आप अपनी सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का लिंक बनाकर उस लिंक से जो भी सामान प्रोडक्ट करेंगे कस्टमर उसमें आपको कमीशन मिलने वाला है। कमीशन क्या मिलने वाला है, कौन सी कैटेगरी कितनी परसेंट कमीशन मिले वो मैंने आपको लिंक दे दिया। लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट आपको कमीशन मिलने वाला है। जब भी ये कमीशन आपका 1,000 से ऊपर हो जाता है तो अमेजोन ऑटोमेटिक आपके उस अकाउंट में पेमेंट भेज देता है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था।